हाय एवरीवन, आई एम पंकज कुमार। आज हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर केवल 2 साल भी कर लिया, इतने परम विद्वान थे। वास्तव में आज हम सभी को ये जानना चाहिए, अगर यदि मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो उन्हीं की देन है, नहीं तो यहाँ कोई भी ना होता। जिनके योगदानों को बाबा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अरे जब जोश में ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल स्पीकर मिस्टर पंकज कुमार, चेंज योर सेल्फ, बी द गेम चेंजर, बी अ माइंडस्टोन। मुझे एक ही वक्त अब लगता है उनका, वो कहते थे आपके पैरों में जूते ना हो लेकिन आपके हाथ में किताब होनी चाहिए, जिससे किताब के माध्यम से आप पूरी दुनिया से सम्मान सहित हार्दिक आभार और धन्यवाद। स्पेशली खास तौर से आज ऐसे महान बोधिसत्व, आधुनिक भारतीय संविधान के निर्माता और हम सभी को अधिकार दिलाने वाले, वह चाहे शिक्षा का अधिकार हो और चाहे समानता का अधिकार हो, तो निश्चित तौर पर हम उनकी जयंती के माध्यम से उनके ऊपर कुछ वक्तव्य मैं रखूं। उससे पहले हम बाबा साहब का जो है नारा लगाएंगे, बाबा साहब वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अरे जब जोश में ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। बाबा साहब कहा करते थे, उनका वास्तव में वक्तव्य इतना सबसे बेहतरीन, मुझे एक ही वक्तव्य लगता है उनका, वो कहते थे आपके पैरों में जूते ना हो लेकिन आपके हाथ में किताब होनी चाहिए, जिससे किताब के माध्यम से आप पूरे नोबेलरेट कमेटी में, जब नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को दिया जा रहा था, तो बाबा साहेब के रास्ते पर चलते हुए ही मलाला यूसुफजई ने उस वक्तव्य को ग्रहण किया था। उन्होंने कहा था, वन टीचर वन पेन एंड वन बुक एंड वन चाइल्ड कैन चेंज द वर्ल्ड, एजुकेशन इज द ओनली सलूशन। हिंदी में बता देता हूँ, एक किताब, एक कलम, एक बच्चा और एक अध्यापक पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, जिसका माध्यम एक ही है, शिक्षा। और आप सभी जानते हैं बाबा साहब ने अपनी शिक्षा के माध्यम से पूरे विश्व को बदला, ना कि केवल भारत। अब इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। जब एक बार हमारे गुरु जो हमको आप सभी जानते होंगे, डॉक्टर विकास दीप कीर्ति, यूपीएससी आईएएस का पढ़ाते हैं, ज़्यादातर यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग करते होंगे तो आते होंगे, वो गए कोलंबिया विश्वविद्यालय। जब वो कोलंबिया विश्वविद्यालय गए थे तो उन्होंने वहाँ देखा, और उस कोलंबिया विश्वविद्यालय में आज भी इतने समय से, लगभग 1700 से जो है 17वीं शताब्दी से वह विश्वविद्यालय था, लेकिन अभी भी वहाँ का सबसे बेहतरीन छात्र और सबसे बेस्ट छात्र कोलंबिया विश्वविद्यालय से बाबा साहेब ही थे। अब बताइए, विदेशों में उनकी इतनी विलक्षण प्रतिभा के जो व्यक्तित्व एवं धनी थे। उसके बाद हमारे गुरुजी जब LSE जाते हैं, LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने वहाँ से MSc इकोनॉमिक्स किया, उसके बाद BSc इन इकोनॉमिक्स, जो डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री 8 साल की होती है, वो उन्होंने केवल 2 साल में कर लिया। इतने परम विद्वान थे। वास्तव में आज हम सभी को ये जानना चाहिए, अगर यदि मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो उन्हीं की देन है, नहीं तो यहाँ कोई भी ना होता। जिनके योगदानों को चलते हुए उन्होंने केवल ना कि केवल मानव को अधिकार दिलाया, बल्कि पेड़ पौधे जंगल जमीन इन सभी को। जब हम मूल कर्तव्य पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि हम अपने वन जल नदी तालाब सभी का संरक्षण प्रदान करें। तो सोचिए, इसका भी वास्तव में उनका वक्तव्य हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक साबित हो सकता है। वो एक और कहा करते थे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो सहाड़ेगा। आप सभी का शैक्षिक वक्ता के रूप में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया,
और भी वक्ताओं की कड़ी है, तो ज्यादा समय न लेते हुए परम हार्दिक धन्यवाद बाबा साहेब। जय हिंद जय भारत। संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ, नमन करता हूँ शिक्षा की ज्योति जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा राव फूले एवं राष्ट्रमाता सावित्री बाई फूले को, जिन्होंने शिक्षा की ज्योति को जगा करके आज हमारे आपके बीच में बड़े पैमाने पे बराबरी का अधिकार दिए। और नमन करता हूँ आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को, नारायणा गुरु को, बिरसा मुंडा। एसपी है, डीएसपी है, कौन है? एसपी डीएसपी उन्हें सलाम करते हैं, इस कस्बे के बहुत बड़े आदमी एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल स्पीकर मिस्टर पंकज कुमार। चेंज योर सेल्फ, बी द गेम चेंजर, बी अ माइलस्टोन। राष्ट्र प्रथम की भावना से उत्पन्न देशभक्ति और क्रांतिकारी प्रकाश की रोशनी को कोई मिटा नहीं सकता, जो वास्तविक भारत के देशभक्ति युवा की आंतरिक शक्ति है। यह मेरा समस्त भारतीयों को समर्पित व्यक्तिगत कथन है।